तो सब्जेक्टिव शीट 44 में पहला क्वेश्चन है रेडियस ऑफ अर्थ. देखो 6400 नहीं है, 6000 किलोमीटर. ध्यान से, आर गिवन है, वेट निकालना है, बॉडी का मास गिवन है, ताकि हाइट कितनी ले जाएं, 2000. भाई 2000 बहुत बड़ी वैल्यू है, शॉर्टकट मत लगाना. तो क्या लगेगा, जी डैश बाई जी इज इक्वल टू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर. ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, वेट निकालना है. एक काम करते हैं, जी डैश इज जी इन टू आर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर. नया वेट निकालने के लिए मास से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई. ठीक है, आप इस क्वेश्चन में जी को 9.8 पुट करें, रेडियस आपको पता है 6000 है, आर की वैल्यू 6000 है, हाइट की वैल्यू 2000 है, इसका स्क्वायर और इनटू मास की वैल्यू 120 है. आपका आंसर यूनिट्स क्या आएंगे, नया वेट आ गया ना ये एमजी डैश, बोलो यूनिट्स क्या आएंगे. नहीं, वो तो मास के यूनिट्स होते हैं, ये तो वेट है, वेट के यूनिट्स क्या आएंगे, न्यूटन. न्यूटन आएंगे, वेट भाई न्यूटन होता है, फोर्स होती है, तो आंसर न्यूटन आएगा. अब बुक्स क्या करती हैं, कई बुक्स वो ना 9.8 को मल्टीप्लाई नहीं करना चाहती, कहते कैलकुलेशन हार्ड हो जाती है, तो वो क्या करती हैं, 9.8 हटा देती हैं, या ऐसे बोल लो न्यूटन की टर्म को 9 जी से डिवाइड कर देती हैं, तो आंसर किस में आएगा, के जी एफ में आ जाएगा. हमने किया था फोर्स में, अगर आपको फोर्स के जी एफ में गिवन है और न्यूटन में कन्वर्ट करना है 9.8 से मल्टीप्लाई, और अगर आपको न्यूटन गिवन है 9.8 से डिवाइड कर दें तो आंसर किस में आएगा, के जी एफ. तो अगर आप जी को हटा दें तो आपके यूनिट किस में आएंगे, के जी एफ में, फिर तो वो आंसर है. पर अगर आपने जी रखना है तो न्यूटन में छोड़ दें. देखो मेरे को जी रखने की आदत है, मैं के जी एफ में, मेरे को नहीं पसंद आता, तो मैं तो ऐसे ही करूंगा, अपना आंसर किस में निकाल के आऊंगा, न्यूटन में. 137 समथिंग कुछ आ रहा होगा, जो भी आ रहा है निकाल लेना, तो न्यूटन में आंसर सही माना जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. हाँ अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन के जी एफ है, फिर तो आपको जी से इसे पहले से ही क्या कर लेना है, डिवाइड, फिर तो आंसर के जी एफ में करना पड़ेगा. तो समझ में आ रहा है कि इसमें क्यों कैलकुलेशन में वेरिएशन आ रही है, पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना है क्लियर है. ठीक, जैसे अगला क्वेश्चन है, अ बॉडी ऑफ मास एम इज रेज टू अ हाइट ऑफ एच फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी. प्रूव दैट लॉस इन वेट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2 mg r/r, mg h/r. कोई बताएगा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, बड़े वाला कि शॉर्टकट, शॉर्टकट लग रहा है, ऐसा क्यों तुम्हें लग रहा है, बोला तो नहीं उसने कि हाइट बड़ी है छोटी है, उसकी शक्ल देख के लग रहा है प्रूव करने में. हाँ अप्रोक्सीमेटली राइट, ये भी सही है, अप्रोक्सीमेटली में तो पक्की बात है कि शॉर्टकट ही लगेगा, क्योंकि हम भी तो शॉर्टकट अप्रोक्सीमेटली बोलते हैं. चलो एक आंसर, उसकी शक्ल देखो 2 mg h. तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं शॉर्टकट लगाऊं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एच हाइट पर होता क्या है, शॉर्टकट में जी डैश इज जी इंटू 1 - 2 h/r. अपने मन में सोचो, अगर आप इसे ओपन कर दो, है ना, जो वेट है, वेट क्या है, एम से मल्टीप्लाई कर दे पहले, तो ये वेट आ गया हाइट एच के ऊपर, तो नया वेट विल बी इक्वल टू, इसे ओपन करते हैं, एम जी माइनस 2 mg h/r. ऐसे हो गया, ये नया वेट है, ये पुराना वेट है. अब नया वेट में से एक्चुअल वेट को माइनस करें तो क्या आएगा, 2 - mgh/r. अब मुझे पता है कि एक्चुअल वेट तो ज्यादा होता है, हाइट के साथ वेट कम हो गया, इसलिए डिफरेंस में नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव का मतलब लॉस इन वेट है, तो यही तो प्रूव करना है कि लॉस इन वेट इसके इक्वल है, हो तो गया, इसकी शक्ल से पता लग रहा है, mgh/r मल्टीप्लाई करके ये आएगा. चलो आप दोनों लगा लेना, जिससे आंसर आ जाए वो कर लेना, क्या फर्क पड़ता है, पर वो सही कह रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली वर्ड लिखा है तो आपको शॉर्टकट ही लगा देना चाहिए, उसने कौन सा एक्यूरेट पूछा है. तो पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें.
ठीक है यहाँ तक? तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा समझ में आ रहा है यहाँ तक, और लॉस इन वेट कैसे निकला, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन में, माउंट एवरेस्ट, देखो माउंट एवरेस्ट कहीं चांद के पास है कि धरती पे ही है? अच्छा फिर यानी कि हाइट ज्यादा नहीं है भाई, शॉर्टकट ही लगेगा पक्की बात है। ये कौन सा, कोई 10,000 किलोमीटर ऊपर चल रहा है, यही रहा माउंट एवरेस्ट, लोग भी पहुंच जाते हैं, तो यानी कि शॉर्टकट लगेगा पक्की बात है। तो इसमें क्या गिवन है, ये एच गिवन है, तो आपको ये एच गिवन है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालनी है, और रेडियस ऑफ अर्थ आपको ये चेंज करके दे रहा है, तो लगा लेना इसमें, तो शॉर्टकट लगा ही देना, 1 - 2h/r, तो आपको g 9.8 पता है, h पता है, r पता है आंसर। इसको करने की जरूरत नहीं, लंबे देखो लंबा तरीका कभी भी गलत आंसर देगा नहीं, पर अवॉइड करते हैं, बंदा कहता है फटाफट आंसर आ जाए। देखो अगर ये मीटर है तो ये मीटर है, किलोमीटर तो किलोमीटर, यूनिट्स कैंसिल करने हैं, तुम्हारी मर्जी है, एच और आर या तो दोनों किलोमीटर किलोमीटर या दोनों मीटर मीटर, वो तुम देख लो क्या लेना है, ठीक है, यूनिट्स कैंसिल होने चाहिए। तो नेक्स्ट है, एट व्हाट हाइट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 25% हो गई, क्या 25% वैल्यू बड़ी होती है छोटी? टाइम लगा रहे हो, तुम्हारे 100 नंबर आने थे फिजिक्स में, पता कितने आए, 75। घर वालों से पूछो बड़ी होती है छोटी होती है, काफी बड़ी होती है मुझको लगता है 75 100, हाँ ठीक है बड़ी होती है, ठीक है 25% बहुत बड़ी होती है, 9.8 का 9.7 के ऊपर तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, ये तो 25% गिर रहा है, 25% बड़ी होती है, और वैसे भी 25% 64% 49% वो अंडर रूट की इंडिकेशन दे रहा है, बड़ा फॉर्मूला लगाओ इस पे। तो क्या लगेगा इसमें फॉर्मूला, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर बाय आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो जी डैश क्या पुट करेंगे, 25% ऑफ जी इज जी इंटू आर अपॉन आर प्लस एच का होल, देखो ना अंडर रूट लेना आसान हो गया, तो क्या आएगा 5/10 इज आर बाय आर प्लस एच, यहां से सॉल्व करके एच निकाल लेना आंसर। तो मैं बोल रहा हूं ना 25% 64 ये इंडिकेशन है, वो आपसे बड़ा फॉर्मूला यूज करवाने वाला है, ठीक, और नहीं भी मैं कहता हूं बड़ा फॉर्मूला यूज कर भी दिया उससे नुकसान तो छोटे में नुकसान है, ये वाले फॉर्मूला तो नुकसान है ही नहीं, तो एक्यूरेट वैल्यू देता है, तो जितने परसेंटेज के क्वेश्चन है 64 36, तो आप बड़े फॉर्मूले से ही करो, इस फॉर्मूले से करो, ठीक है यहां तक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 400 किलोमीटर, देखो 400 किलोमीटर कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, शॉर्टकट लगा दो 1 - 2h/r, तो h की जगह 400 पुट करके आंसर निकाल लेना। नीचे वाले में क्या लगाएं, हाँ 4% है ना, तो 4% चाहे बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, पर 4% सॉल्व करना देखो ना कितना ईजी है, क्योंकि आखिरी क्वेश्चन के अंदर अगर आप ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं और आपको पता है कि g डैश की वैल्यू कितनी लेनी है 4% है, तो इजी है ना, इजी टू सॉल्व है, क्योंकि g से g कैंसिल, अंडर रूट लोगे तो 2/10 आ जाएगा, r by r plus h वैसी एक्यूरेट वैल्यू आ जाएगी, यहां से छोटा लेने की जरूरत ही नहीं इसमें, समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है?